हेलो स्टूडेंट, आरआर पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ ओवरहेड लाइंस। पिछले वीडियो में पॉइंट अधूरा रह गया था, इसके आगे की बात करते हैं। तो हमारा 6 नंबर पे है जो पॉइंट है, वो क्या है हमारा, लाइटनिंग अरेस्टर्स। लाइटनिंग अरेस्टर्स क्या होते हैं, जो हमारा बिजली के खंभे होते हैं उन पर जो है क्या कहते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर लगाया जाता है। इसका इस्तेमाल क्या है, ये सामान्य वोल्टेज पर जो हमारे चालक है वो और जो है क्या कहते हैं जो भू है उसके बीच में ये ओपन एज ए ओपन सर्किट वर्क करता है। लेकिन जैसे ही हमारा कभी भी जो है क्या कहते हैं बिजली चमकती है या जो है क्या कहते हैं हमारा वोल्टेज बढ़ जाता है, तो ये क्या होता है, ये हमारा चालक के थ्रू जो है जो ओपन सर्किट वर्क कर रहा था वो एज ए कनेक्शन वर्क करने लगता है और जो वोल्टेज हमारा अधिक हुआ है उसको आसानी से ये क्या करता है, ज़मीन के अंदर अर्थिंग में ज़मीन के अंदर भू में प्रवाहित करा देता है। और दूसरा ना 7th नंबर है हमारा डेंजर प्लेट। डेंजर प्लेट क्या चीज़ है, डेंजर प्लेट एक जो है क्या जो खतरे का संकेत देता है हमारा जो है खंबे पर लगा होता है कि सावधान, ये 440 वोल्ट खतरे का निशान बना होता है, तो वो चीज़ हमारा क्या है, डेंजर प्लेट है। ये भी हमारा खंबे पे लगा होता है और ये 3.5 मीटर की ऊंचाई पे लगा होता है। उसके बाद है हमारा एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस। एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस क्या चीज़ है, एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस हमारा ये 2.5 मीटर ऊंचाई तक ये बारबेड वायर का इस्तेमाल किया जाता है, कटीले तार का इस्तेमाल किया जाता है कि जो जिसकी वजह से जो है क्या कहते हैं कोई भी व्यक्ति जो है खंभे पे ना चढ़ सके, जिससे उसे बिजली का झटका ना लगे। तो हम जो है क्या कहते हैं एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस में बारबेड वायर कटीला तार का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद 9th नंबर है बर्ड गार्ड। बर्ड गार्ड क्या चीज़ है, बर्ड गार्ड हमारा इस्तेमाल होता है कि जो खंभा होता है तो उस पर क्या होता है, कभी कभी पक्षियों के चिड़ियों के या जो है क्या कहते हैं कि कोई भी पक्षी हो उनके बैठने से क्या होता है हमारा शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो उस शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, बर्ड गार्ड का इस्तेमाल करते हैं। बर्ड गार्ड क्या होता है हमारा, एक लकड़ी का बना हुआ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको जो है क्या कहते हैं इंसुलेटर के ऊपर लगाया जाता है, जिससे कि खंभे पर पक्षी बैठ ना सके और पक्षी उस पर बैठ ना सकें और हम शॉर्ट सर्किट से बच सकें। उसके बाद 10th नंबर है हमारा जॉइंट एंड जंपर्स। जॉइंट एंड जंपर्स क्या चीज़ है हमारा, जैसे कि हम बात कर लेते हैं वायर्स को जोड़ने के लिए, तो वायर है मान लीजिए ये नॉर्मल एक वायर है, ये नॉर्मल दूसरा वायर है, तो इन दोनों को जो है क्या कहते हैं इस प्रकार से लपेट के और इसको इस प्रकार से लपेट के हम क्या करते हैं एक जोड़ बनाते हैं, जो हमारा दोनों वायर को क्या होता है इस प्रकार से लगा के एक वायर को इसके ऊपर जो है लपेट देते हैं, दूसरे वायर को इसके ऊपर लपेट देते हैं, तो ये हमारा कहलाता है सीधा जोड़। ये हमारा क्या हो गया, सीधा जोड़ ये ज्वाइंट हो गया। उसके बाद जंपर्स का इस्तेमाल हम करते हैं खंभे पर वायर्स को जोड़ने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कोई दो एक खंभा लगा हुआ है, ये एक खंभा लगा हुआ है, यहाँ पर ये हमारा इंसुलेटर लगा हुआ है, ठीक है, ये इंसुलेटर लगा हुआ है हमारा, मान लीजिए ये हमारा एक इंसुलेटर लगा हुआ है, तनाव इंसुलेटर लगा हुआ है इस प्रकार से ये इंसुलेटर लगा है और यहाँ पर एक हमारा दूसरा इंसुलेटर लगा हुआ है ये, ये इंसुलेटर है, ये वायर है। अब ये वायर जो है क्या कहते हैं हमारा ये खंभा जो लगा हुआ है, कभी ये वायर जो है क्या कहते हैं खंभे को नहीं टच करते हैं। आपको जो वायर लगा होता है खंभे पर वो वायर कभी भी खंभे को टच नहीं करता है, तो वायर हमारा कभी भी खंभे को टच नहीं करता है। अब ये एक खंभा लगा हुआ है, एक वायर इधर से है एक वायर इधर है, हमारी सप्लाई लाइन जा रही है, तो इस सप्लाई लाइन को हमें इस वायर से जोड़ना होगा तभी तो हमारी सप्लाई लाइन आगे बढ़ेगी। तो इसको जोड़ने के लिए यहाँ पर एक इंसुलेटर लगाते हैं, पिन इंसुलेटर ही लगा देते हैं, इस प्रकार से पिन इंसुलेटर लगा दिया हमने,
तो हम क्या करते हैं, एक वायर यहाँ जोड़ते हैं और इस प्रकार से ले जाते हैं, यहाँ पर दूसरा वायर जोड़ देते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये एक विभाग पोल है, पोल, विभाग पोल। और ये हमारा जो है क्या कहते हैं, जम्पर है, जम्पर है। ये हमारा पिन इंसुलेटर हो गया, ये हमारा जो है क्या कहते हैं, तनाव इंसुलेटर है। और ये हमारे सप्लाई के वायर हैं, इसको जो है क्या कहते हैं, जो जो तरीका हमने जोड़ने के लिए अपनाया, ये हमारा क्या कहलाता है, जम्पर कहलाता है। या फिर जो है क्या कहते हैं, इसको जो है इस प्रकार से, आपने कहीं पर ज्वाइंट देखा होगा, आपने अगर खंभे को देखेंगे तो इस प्रकार से इंसुलेटर अगर लगा हुआ है, दो वायर ऐसे जो है जुड़े हुए हैं खंभे से, दो वायर जुड़े हुए हैं, तो इसको जो है क्या कहते हैं, अब यहाँ से वाले वायर को इधर जोड़ने के लिए हम जम्पर का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, हमारा स्टे अरेंजमेंट है। स्टे अरेंजमेंट क्या चीज़ है, स्टे अरेंजमेंट हमारा जो है क्या कहते हैं, खंभे को, जो हमारे खंभे लगे होते हैं उनको सपोर्ट देने के लिए होता है। मतलब एक वायर होता है जिसकी सहायता से हम खंभे को क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं। खंभा जहाँ पर हमें लगता है कि जो है क्या कहते हैं, खंभा कमज़ोर है या खंभे पर दबाव अधिक पड़ रहा है, तो वहाँ मान लीजिए ये आपका खंभा है, तो अगर ये खंभा आपका इस प्रकार से कहीं झुक रहा है, तो इसको हम एक वायर से खींच कर इस प्रकार से इसको सीधा करेंगे, तो वो जो अरेंजमेंट हमारा कहलाता है वो कहलाता है स्टे अरेंजमेंट। और इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये जो है क्या कहते हैं, जैसे कि कोई खंभा हमारा लाइन के साथ कुछ एंगल पर है, अगर थोड़ा बहुत एंगल पे है, तो वहाँ पर हम स्टे अरेंजमेंट का इस्तेमाल करेंगे। और स्टे अरेंजमेंट को लगाने के लिए ये नियम है कि हमारा स्टे अरेंजमेंट कितने डिग्री पे लगा होना चाहिए, 45 डिग्री पे होना चाहिए। और किसी भी, मान लीजिए आप 45 डिग्री पे नहीं लगा पा रहे हैं, तो किसी भी अवस्था में 30 डिग्री से कम पर नहीं लगा होना चाहिए। तो ये हमारा जो है क्या कहते हैं, जो पहला पॉइंट क्या कर, हमारा जो है लाइन के साथ कोण पर स्थित खंभे पर, मतलब जो खंभा हमारा इस प्रकार से कहीं झुक रहा हो, लाइन जो हमारी मान लीजिए ये सर्विस लाइन जा रही है, ये सर्विस लाइन जा रही है, तो यहाँ पर खंभा अगर किसी तरफ किसी एक साइड अगर झुक रहा हो, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टे अरेंजमेंट लगाते हैं। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, सेकेंड पॉइंट क्या है, अंतिम छोर या टर्मिनल खंभे पर, आप जैसे मान लीजिए जो है क्या कहते हैं, हमारा ये खंभा लगा हुआ है, ये खंभा लगा है, इस प्रकार से खंभे लगे हुए हैं, आगे की तरफ खंभे जा रहे हैं, तो यहाँ जो है क्या कहते हैं, जो बीच वाला खंभा है, इसके इधर भी तार है, इधर भी तार है, लेकिन जो किनारे वाला खंभा रहता है, अब यहीं से ये मान लीजिए यहाँ से सप्लाई शुरू हुई है, अब यहाँ किनारे वाला ये खंभा है, यहाँ पर सप्लाई ख़त्म हो गई, अब इसके आगे हमें वायर नहीं ले जाना है, तो यहाँ के बाद जो है हमें सप्लाई नहीं ले जानी है, ये खंभा क्या होगा, अब वायर के वायर के तनाव से ये खंभा क्या होगा, इधर की तरफ खींचेगा ये खंभा, तो इधर की तरफ खींचेगा, तो इस खिंचाव को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्टे अरेंजमेंट लगा देते हैं। मतलब इसको क्या करेंगे हम, इसको रोकने के लिए एक स्टे अरेंजमेंट लगा, तो मतलब जो है अंतिम छोर पे, मतलब जो खंभा जहाँ से लाइन हमारी स्टार्ट हो रही है वहाँ पर, और जो लाइन जो है क्या कहते हैं, जहाँ पर ख़त्म हो रही है वहाँ पर हम स्टे अरेंजमेंट का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद जो है ऐसे खंभे जिनके, मतलब जो है क्या कहते हैं, जिनके दोनों ओर पार्ट में अंतर हो, पार्ट में अंतर मतलब जो है क्या कहते हैं, कोई खंभा ऊंचाई पे हो, कोई निचाई पे हो, तो इस प्रकार से जिनके पार्ट में अंतर होगा वहाँ पर भी हम स्टे अरेंजमेंट का इस्तेमाल करेंगे। और अगला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, लाइन के दोहरे खंभों पर, मतलब जहाँ पर हमें डबल खंभे लगाने हैं, दोहरा पोल लगाना है, वहाँ पर हम स्टे अरेंजमेंट का इस्तेमाल करेंगे। और ऐसे खंभे पर जिन पर अधिक तनाव या दबाव पड़ता हो, अधिक तनाव या दबाव जिस खंभे पड़ रहा है, ज़्यादातर तनाव या दबाव जो है क्या कहते हैं, अंतिम छोर वाले खंभे पड़ता है, लेकिन कहीं कहीं जो है ज़मीन की, जो ज़मीन है उसकी स्थिति सही नहीं होने पर बीच वाले खंभे पर भी स्टे अरेंजमेंट देना पड़ सकता है। और ऐसे खंभे जिनसे जो है क्या कहते हैं हमें वायर, अब जैसे मान लीजिए यही खंभा है, यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, ये ऐसे सीधे सीधे जा रहा है, अब यहाँ पर इसके इधर भी वायर है, तो इस पर दबाव नहीं पड़ रहा। अब ये मान लीजिए कि एक वायर इधर की तरफ खींच दिया गया, सामने की तरफ एक वायर खींच दिया गया, तब इस पर तनाव इधर की तरफ पड़ने लगेगा, खंभा इधर की तरफ झुकने लगेगा, तब इधर के पीछे की तरफ इसको क्या देना होगा, स्टे अरेंजमेंट देना होगा।
मतलब जो है क्या कहते हैं ऐसे खंभे जिनसे अगर ब्रांचेज निकली हुई हो तो वहाँ पर स्टे अरेंजमेंट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो है क्रॉसिंग सपोर्ट पर जहाँ से क्रॉसिंग निकली हो वहाँ पर, और ऐसे खंभे जो पहाड़ी पर स्थित हों, तो ये सारी चीज़ें जो है क्या कहते हैं हमारा मेन कंपोनेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल जो है क्या कहते हैं हम करते हैं ओवरहेड लाइन के जो है वायरिंग में। इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान देना होगा जो है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो है कोई किसी प्रकार की समस्या हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे के जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।